पीछे ला लिया तांगा तेरी आने पीछे पीछे ला लिया प्यार तेरे नाल उमरां दा बालिया वे जीवे ने ना वालिया। ये फिल्म हमारी बड़ी अच्छी है, एक फैमिली स्टोरी है, लव स्टोरी है लव एंगल से। और फिर जो ये खान साहबों की फैमिली है तो उसमें ये जो चीज़ें चलती रहती हैं जुगत तो हर बात में है, ठीक है जी। और बड़ी कॉमेडी सिचुएशनल डॉक्टर अजमल वर्क साहब की ये फिल्म है, तो हम सब फनकारों ने बड़ी मेहनत की है। चढ़ते पंजाब की मूवियों में काम करते हैं तो लोग जौकदार जौक जाते हैं, अपने पाकिस्तान के प्रोडक्ट को हिट करना पड़ेगा। इंडस्ट्री जो है वो अचकोले खा रही है, तो इस अचकोलों को आवाम ही ठीक कर सकती है। हमारी ये जो मूवी है नो लव नो टेंशन ये ईद पे रिलीज हो रही है और ये बहुत ही ज्यादा कॉमेडी वाली है। आजकल के इस दौर में जब हर बंदा परेशान है, हर बंदा एंटरटेनमेंट चाहता है, तो ये फुल ऑन पैकेज है एंटरटेनमेंट का। और डॉक्टर अजमल साहब की इसमें बहुत मेहनत है और सबने बहुत मिलकर मेहनत करी है और माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोगों ने सब ने मिलकर मेहनत करी है और इंशाल्लाह और ये मूवी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगी इंशाल्लाह। हाँ, मैं बड़ी अच्छी फिल्म है, फैमिली फिल्म है और ये आगा माजर साहब और मैं असी भंड का रोल कर रहे हैं, खान साहब जड़े होंगे ने, तो बड़ी बरीक फिल्म है, बरीक लोगों के देखने वाली फिल्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ एक्सक्लूसिव के साथ आपका मेज़बान हाफिज मज़र इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, स्क्रीन छोटी हो बड़ी हो, स्टेज हो या क्राउड, वो तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक मेरे साथ बैठी पर्सनैलिटी कैसर पिया वो उस पर नज़र ना आए। तो आज हम इस वक्त मौजूद हैं नो लव नो टेंशन, यानी कि प्यार नहीं करना ताकि टेंशन तो फ्री रहो, बाकी गल्लां सारियां कैसर पिया को पूछेंगे। तो उन्होंने कास्ट है, आज की फिल्म का प्रमोशन है, शो से असं आए हैं, इन्होंने गलबात करने तो मजीद पूछने कि वह फिल्म की है, उसके इन्हों का किरदार की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर 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 कैसर भाई, कैसे आप? मैं ठीक ठाक अल्लाह कर रहा हूँ, आप सुनाएं आप कितने वैसे आज बड़े स्वेद स्वेद लग रहे हैं, कुछ स्पेशल तैयारी सर? नहीं, मैं आज 6 महीने बाद मुंह धोता है इस करके सर जरा ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाहर इंक लेने वाले आए थे? हाँ जी आए थे जनाब, बिल्कुल तुसी कल ही रह गए जन, तुम तो हाथ भर के देने बस। थैंक यू थैंक यू सर। सर वो असल में मुझे कैसर पिया नजर नहीं ना अभी तक आए, इसलिए मैं नहीं नहीं। अच्छा तो ये फिल्म के हवाले से बताएं, आपका किरदार कैसा है, इसकी स्टोरी कैसी है, क्या? ये फिल्म हमारी बड़ी अच्छी है, एक फैमिली स्टोरी है, लव स्टोरी है लव एंगल से। और फिर जो ये खान साहबों की फैमिली है तो उसमें ये जो चीज़ें चलती रहती हैं जुगत तो हर बात में है, ठीक है जी। और बड़ी कॉमेडी सिचुएशनल डॉक्टर अजमल वर्क साहब की ये फिल्म है, तो हम सब फनकारों ने बड़ी मेहनत की है। और मेरा इसमें एक दोस्त का करेक्टर है, हीरो का दोस्त है और वो साथ साथ चलता रहता है, जो जितने भी हम फ्राड करते हैं लड़कियों को चक्कर ये वो बला 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 बला, वो आपको फिल्म देखे तो बड़ा मजा है। इसमें लड़कियों के चक्कर हैं? चक्कर हैं जी। आपकी वो जो बेसिक नेचर वाला फ्लर्ट है वो है? वो तकरीबन ज़्यादा है इसमें, लेकिन इसमें ये है कि दो लड़की हीरोइंस हैं हमारी, हमारी जो सुपर डुपर स्टार हैं महक नूर जी, तो वो हैं, ठीक है। और भी हमारी कास्ट में बहुत बढ़िया नाम है माशाल्लाह, तो आप फिल्म आप देखेंगे तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे। सर सर ये कब रिलीज़ कब हो रही है? ये ईद पर हो रही है, ईद ये ईद अल फितर पे, ये 2024 जो ये आज से को 2-4 दिन बाद, तो अल्लाह बेहतर करेगा। मैं सबसे गुजारिश है आपसे भी, आप भी अपनी फैमिली को लेके जाएं, आपके चैनल को जितने भी लोग देखते हैं वॉच करते हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप ये फिल्म देखें। और एक फैमिली फिल्म बिल्कुल लचरपन नहीं है, कोई ऐसी बेहुदा चीज़ नहीं है जिससे आप शर्मिंदा हो, और बहुत इन्जॉय करने वाले हैं इस फिल्म को। सर इसमें स्टार कास्ट में और कौन कौन है आपके? इसमें हमारे सैफ भाई हैं हीरो हमारे हैं, महक नूर जी हिरवन है, उसके बाद आगा माजद साहब हैं, आगा माजद साहब के बाद सरदार कमाल साहब हैं, शाहद खान साहब हैं, रजी खान साहब हैं, उसके बाद हामिद रंगीला साहब हैं, और हमारी और भी बहुत ज़्यादा कास्ट है जिसको आप बहुत इन्जॉय करेंगे सर जी। नाजरीन, नो लव नो टेंशन फिल्म के चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी, शाहिद खान, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका किरदार और फिल्म जो है वो उसकी स्टोरी क्या है, क्या किरदार है इनका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फिल्म में मेरा किरदार चौधरी का जी,
और मेरा बड़ा अच्छा रोल है। मेरे साथ कैसर पिया हैं, अजीम विक्की हैं और पूरी टीम का रोल है मेरे साथ, और बड़ा मज़ेदार फिल्म है। फिल्म में मेहनत बहुत की है सब ने, बस ये है कि पब्लिक निकले, सिनेमा हॉल तक जाए और फिल्म देखे, फिर हमें बताए कि अच्छी लगी कि बुरी लगी। माशाल्लाह इतने खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता इस फिल्म में काम कर रहा है, तो पब्लिक क्यों नहीं निकलेगी शायद भाई? इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत है जी, यही उम्मीद है और इसी उम्मीद पर फिल्म भी बनाई है कि ये वही स्टार्स हैं जो चढ़ते पंजाब की मूवियों में काम करते हैं, तो लोग जौक दर जौक जाते हैं। अपने पाकिस्तान के प्रोडक्ट को हिट करना पड़ेगा, इंडस्ट्री जो है वो अचकोले खा रही है, तो इस अचकोलों को आवाम ही ठीक कर सकती है। सर, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मेरे ख्याल में काफ़ी देर बाद ये गुलदस्ता जो जिसको लोग सराहते हैं, देखते हैं स्टेज पे, बाकी लोग स्क्रीन्स पे, तो ये गुलदस्ता इस फिल्म में आया है, तो मेरे ख्याल में आवाम निकलेगी इंशाल्लाह और ज़रूर निकलेगी जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है, पवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो इंशाल्लाह आवाम निकलेगी और हमें बड़ी उम्मीद है कि ये फिल्म इंशाल्लाह कामयाबी से हमकिनार होगी। अच्छा, चौधरी जालिम चौधरी का है या प्यारे चौधरी का? डबल शेड है, डबल शेड है, जालिम भी है, कॉमिक भी है, गुस्से में भी आ जाता है और बाकी आप सिनेमा हॉल में जाके देखेंगे तो वो ज़्यादा है। नो लव नो टेंशन, प्यार नहीं करना टेंशन तू बचे रहोगे। ऐ भाई फिल्म है, परेशान नहीं होना, ऐ फिल्म का आज प्रमोशन शो है, ईद तो रिलीज़ हो रही है, सब तो पहले यह गल है कि पूरी फैमिली नाल जाके देखनी है, और उस फिल्म के किरदार हामिद रंगीला साहब मेरे नाल मौजूद ने, इन्हों नाल गल करने स्टेज के बेताज बादशाह, बहुत सारे स्क्रीन पर वेख्या होएगा, बहुत सारे स्टेज पर देखा होएगा, तुम ए अपना तारुफ आपने मेरे नाल खड़े ने, मैंने दसन की तो जरूरत ही नहीं, इन्हों गलबात करने और अज की इस फिल्म के हवाले पूछने कि इन्हों का किरदार की है और फिल्म की स्टोरी की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम है, बड़ी अच्छी फिल्म है, फैमिली फिल्म है, और ये आगा माजर साहब और मैं असी पंड का रोल कर रहे हैं, खान साहब जोड़े होंगे ने, तो बड़ी बरीक फिल्म है, बरीक लोगों के देखने वाली फिल्म है, और फैमिली को चाहिए कि फिल्म जरूर देख, फैमिली फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है, एक्शन फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, बड़ी मेहनत की है डॉक्टर अजमल साहब ने और ये प्रोड्यूसर ने जूनी मलिक साहब, तो ईद के दिन तो लग रही है फिल्म, छोटी ईद की इंशाल्लाह वड्डी फिल्म होएगी, ये तो आड़े प्यार दी वजह ना वड्डी हो जाएगी, जरूर देखना आओ। नो लव नो टेंशन। अच्छा सर, यही कास्ट जब इंडिया में काम करती है पंजाबी फिल्मों में, तो वहाँ बड़ी पसीराई मिलती है, लोग बूस्ट कर जाते हैं, हम पूरी उम्मीद है पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला, हमने मेहनत बहुत की है इसमें, हमारे फनकार जितने भी है उन्होंने पूरी मेहनत की है, फुल गर्मी में ये फिल्म बनी है, इसमें बहुत मेहनत है, और इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर इस फिल्म को देखेंगे कि ये कामयाब होगी फिल्म, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा, आपने जो किरदार किया, आपके अलावा इसमें जो स्टोरी है हल्का फुल्का उसको टच दें क्योंकि लोगों को पता चले कि उसमें है क्या। ये है, दो घर दिखाए हैं, ठीक है, तो ये दोनों भाई इकट्ठे ही रहते हैं जो बंड होते हैं, तो एक का बेटा एक की बेटी है, दोनों की शादी होनी होती है और वो लड़का इनकार कर देता है, इस दायरे में ये फिल्म है और बड़ी हिस्टोरिकल फिल्म है, अच्छी फिल्म है। कैसर पिया नो लव नो टेंशन का अहम किरदार स्टेज पर तब्दील लिया है बहुत सारी तालियों में ताकि प्रेस एंट्रेंस का आगाज हो सके, हमारे सुपरस्टार शाहिद खान साहब वो स्टेज पर तब्दील ले आए, जरा तालियां बजाते जाए मेरा साथ साथ, और अब मैं बुलाऊंगा स्टेज पर हमारी फिल्म के हीरो, आने वाले वक्त में बहुत सारी फिल्में इनके क्रेडिट पर आ रही है, आजकल मोची गेट के नाम से इनका टीवी सीरियल बड़ा हिट जा रहा है, मेन कैरेक्टर हीरो का रोल कर रहे हैं, बहुत सारी तालियां सैफ अली खान, बड़े अच्छे के बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को खूबसूरत हीरो मिला है, और हम मैं अपनी फिल्म का एक बड़ा रोल करने वाला अदाकार, टेलीविजन के फिल्म का बड़ा अदाकार हामिद रंगीला से गुजारिश करूंगा वो स्टेज पर तशरीफ लाए, हामिद रंगीला साहब, और मेरी आइटम गर्ल इस फिल्म की नो लव नो टेंशन, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे थे उन्होंने नो लव नो टेंशन आइटम सॉन्ग पर परफॉर्म किया, रीना मुल्तानी भी स्टेज पर आ जाए, रीना मुल्तानी के लिए बहुत सारी तालियां, हमारी फिल्म का एक और खूबसूरत रोल बेबी खान भी तशरीफ है, हमारी फिल्म का एक और खूबसूरत रोल स्टेज पर आ जाए, हमारा सुपरस्टार रजनी खान स्टेज पर आ जाए।
और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज होगा। और हमारे कोरियोग्राफर शुक्रिया जनाब बाद जी सही, हमारी फिल्म के कोरियोग्राफर नंबर कोरियोग्राफर तौफीक हैदर शाह साहब से गुजारिश है कि हमारी फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर अभी खान से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तस्वीर ले। अभी खान साहब एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर और बड़ी अच्छी मौसीकी दी उन्हें गाने की। अभी खान साहब तस्वीर ले आए। चौधरी शफाक साहब स्टेज पर तस्वीर ले, मुलाशा ढोलकिया जी चौधरी शफाक साहब भी आए। मजेदार बात बताता हूँ कि चौधरी शफाक साहब फिल्म का प्रेम ओपन होता है तो पहला सीन जो है वो चौधरी शफाक साहब का है। पूरी दुनिया को क्या है फिल्म देखने का मजा ता ही आएगा जो शुरू तो देखा है। भाई मैं अपने प्रोड्यूसर प्रमोटर इस वक्त के थिएटर की दुनिया के बादशाह सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले। हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर हिदायतकार जिनके क्रेडिट पर बहुत सारी फिल्में हैं और पिछले साल उनकी फिल्म जो है वो बड़ी हिट हुई। लाहौर कलंदर के नाम से एक फिल्म बनाई गई और बड़ी हिट हुई थी तो उसके हिदायतकार सीनियर हिदायतकार हमारी फिल्म की प्रमोशन के लिए यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। शाहिद राणा साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अब तक वो 500-600 से ज्यादा फिल्मों में वो बड़े खूबसूरत रोल कर चुके हैं। आज हमारे मौजूद है, हमारी फिल्म में भी बड़ा अच्छा रोल कर रहे हैं। अच्छी खान साहब यहाँ मौजूद है, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तस्वीर लाए। अच्छी खान साहब फिल्म जो है एक बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है और इस बात का एहसास हुआ है इसको करने के बाद होता है। फिल्म बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है इसको करने के बाद इस बात का एहसास होता है और आपने तो सारी जिंदगी मुश्किल काम किया। मैं तमाम मीडिया का बहुत मशहूर हूँ। तमाम मीडिया हमारी गुजारिश पर आप सब दोस्त यहाँ तशरीफ लाए। हमारी पंजाबी फिल्म नो लव नो टेंशन ईद उल फितर पर रिलीज है। जी कम खराब हुंदा ते होन दे सानू जफ्फी पा तांगा तेरियां ने पीछे पीछे ला लिया पिछे पिछे ला लिया प्यार तेरे नाल उमरां दा बलिया वे जीवन ने ना वालिया। कितने दिन दी छुट्टियां पुत? 4-5 दिन दी। ओ ते इससे ज्यादा तेरी छुट्टियां ना होन क्योंकि इतनी जफियां सी अफोर्ड नहीं कर सकते। ना प्यार करना है ना टेंशन है जाना, नो लव नो टेंशन। फिल्म रिलीज हो रही है इंशाल्लाह ईद उल फितर पे, छोटी ईद पे बड़ा तोहफा, बड़ी फिल्म पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाली क्योंकि तमाम स्टेज के किरदार आगा माजिद और कैसर पिया शाहद खान सरदार कमाल और बहुत सारे चेहरे और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जेबी खान, ये भी उस फिल्म में माशाल्लाह इतना खूबसूरत चेहरा आपको नजर आ ही गया होगा। इनसे बात करते हैं और फिल्म के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हमारी ये जो मूवी है नो लव नो टेंशन ये ईद पे रिलीज़ हो रही है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी वाली है। आजकल के इस दौर में जब हर बंदा परेशान है, हर बंदा एंटरटेनमेंट चाहता है तो ये फुल ऑन पैकेज है एंटरटेनमेंट का। और मैं यही कहूँगी ऑडियंस को कि ये मूवी मिस मत करें, आप देखेंगे और आपको बहुत अच्छी लगेगी। जी तो नाज़रीन नो लव नो टेंशन, यार प्यार नहीं करना टेंशन तू बचना है, ए मैसेज होना है तुहानू छोटी ईद ते वड्डा तोहफा। बहुत ज़बरदस्त मूवी आ रही है, फैमिली फिल्म है नो लव नो टेंशन और इस वक्त आइटम सॉन्ग करने वाली रीना मुल्तानी वो मेरे साथ मौजूद है। खूबसूरत फेस आपको नजर आ ही रहा है, बाकी चीज़ें आप मूवी में देखेंगे। हल्की फुल्की गुफ्तगू हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इससे पहले भी ये आपका पहला एक्सपीरियंस है कि आपने डायरेक्ट
बड़ी स्क्रीन पे जाके आइटम सॉन्ग प्ले किया, कैसा? जी ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत मज़ा आया ये काम करते हुए। जाते ही मैंने आइटम सॉन्ग किया, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया मैंने इस सॉन्ग को। और डॉक्टर अजमल साहब की इसमें बहुत मेहनत है और सबने बहुत मिलकर मेहनत करी है और माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोगों ने सब ने मिलकर मेहनत करी है और इंशाल्लाह और ये मूवी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगी इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत लकी हैं कि आपको एटम सॉन्ग मिला है एक ऐसी फिल्म का जिसमें बहुत बड़े नामवर चेहरे हैं और बहुत बड़ी स्क्रीन पर आपको काम करने का मौका मिला, एक्सपीरियंस कैसा? एक्सपीरियंस मुझे मेरा बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत मज़ा आया और मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत की बात है कि मुझे इस मूवी में एडम सॉन्ग करने को मिला, क्योंकि इतने जल्दी नहीं मिलता है काम मूवीज़ में करने के लिए। जिसको काम से लगन हो, जिसको काम से दिल से काम हो, उसको देखा जाता लिया जाता है। और ये डॉक्टर अजमल साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने मेरा काम देखा, उन्हें मेरा काम पसंद आया और उन्होंने मुझे मूवी में एडम सॉन्ग करने के लिए दिया। पिंड च कीड़ा तू मेनू चंबड़ के सोनी सै, तेरी मंजी चाची नाल ते मेरी मंजी अबे नाल। चाह ताया तेरा खाना ही खराब हो जाए। भाग लगे रहन मौला खैर करे सब दी, दिल मुरादा हर कोई पावे, दुख कदी भी नेड़े ना आवे। आज बिरयानी आई जे। ओ मरे एडी तेज सुंग तेरी। अपनी बीवी ने एयरपोर्ट दे नौकर करा दे, एदी सुंग बहुत आला। चौधरी साहब तुहाडा पुत्र ओ खुसरियां दे पिछे मिठे पान लेके जांदा जी है। ओए खुसरियां दे पिछे जम जम जावे पर मिठे पान ते ना लेके जाए। मैं तेनू किहो जी लगनी आ? तू मनु बड़ी चंगी लगनी। ਕਰਮ ਸੈਨ ਜੀ ਚੌਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇ। ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਸਾਬਤ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀ? ਉਹ ਅੱਜ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ। ਕਾਂਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ छुट्टियां।